तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सचिन, मेरे चैनल हेक्टिक इंडिया आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं अपलोड डिफॉल्ट फीचर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब का ये एक छोटा सा फीचर है लेकिन बहुत ही यूजफुल फीचर है। तो ज्यादा लोग इस फीचर के बारे में नहीं जानते। जो मेरे भाई यूट्यूब पे नए आए हुए हैं या नए यूजर हैं, अभी यूट्यूब ने अभी हाल ही में उन्होंने चैनल स्टार्ट किया है, तो इस फीचर के बारे में शायद नहीं जानते हो। तो दोस्तों इस फीचर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर अपना डिस्क्रिप्शन या सारी सेटिंग वीडियो को अपलोड करते समय करते हैं और फिर बाद में अपनी वीडियो अपलोड करते हैं, तो इससे क्या होता है, अपलोड डिफॉल्ट फीचर की मदद से आप ये सब पहले ही कर सकते हैं। और अपनी वीडियो जब अपलोड करेंगे तो आपको कोई भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ अपना वीडियो का टाइटल देंगे या टाइटल भी आप लिख सकते हैं उसमें जो आप देना चाहें। तो सारी इसकी जानकारी आपको मैं बारीकी से बता दूंगा इसमें, और आपको इस वीडियो के बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ तो आपको उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं आ गया अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जाना है अपने क्रोम ब्राउजर में। तो चलिए चलते हैं पहले क्रोम ब्राउजर में। तो क्रोम ब्राउजर में जाके आपको क्या करना है, अपना जो यूट्यूब चैनल है उसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ से मैं अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना मेरा यूट्यूब चैनल है इसको ओपन कर लेते हैं। तो मेरा यहाँ पर ये मेरा यूट्यूब चैनल ओपन हो चुका है। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर जो आपका सिंबल दिख रहा है आपका, यहाँ पर इसको जाना है। तो यहाँ पर जाके आपको क्रिएटर स्टूडियो में जाना है। क्रिएटर स्टूडियो में जाके मैं फिर बता दूँ आपको करना क्या है आगे। तो यहाँ से कुछ आपको ऐसा मिल जाएगा, आपको अपना डेस्कटॉप स्क्रीन कर लेना है, यहाँ से डेस्कटॉप साइड कर देना है यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर डेस्कटॉप साइड में हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपको यहाँ पर चैनल का। तो यहाँ पर चैनल पर जाएंगे, चैनल पर जाके आपको कुछ ऐसा यहाँ पर पेज देखने को मिल जाएगा। दिखाता हूँ आपको, इस प्रकार का आपको कुछ पेज देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन देख सकते हैं, अपलोड डिफॉल्ट। तो यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने पर आपको कुछ यहाँ पर ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्राइवेसी, कैटेगरी, लाइसेंस, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिल जाएंगी। तो क्या करना है, आपको यहाँ से अगर आप अपनी वीडियो को पब्लिक रखना चाहते हैं या प्राइवेट रखना चाहते हैं तो यहाँ से लग सकते हैं। और यहाँ से आप यहाँ पर कैटेगरी चॉइस कर सकते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी, या आपका जैसा भी चैनल हो वैसा आप कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपका गेमिंग का है, एजुकेशन का है, कॉमेडी का है, एंटरटेनमेंट का है, म्यूज़िक का है, आप जिसका चाहें उसका रख सकते हैं। तो यहाँ से इतना रख सकते हैं। अब आपके यहाँ पर आ जाता है लाइसेंस। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, आपको यहाँ पर जे स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस पे रखना है, क्रिएटिव कॉमन पे नहीं रखना है। आप क्रिएटिव कॉमन क्या होता है, जैसे कि आप अपनी वीडियो किसी और को भी यूज़ करने देंगे तो इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर आप टाइटल लिख सकते हैं, तो टाइटल तो आपको लिखना नहीं है क्योंकि टाइटल के लिए तो आपकी अलग अलग वीडियो, एक सी वीडियो तो आप अपलोड नहीं करेंगे, तो अलग अलग टाइटल होता है अलग अलग वीडियो का। तो यहाँ पर अब बात करते हैं अपने डिस्क्रिप्शन की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जैसे आप डिस्क्रिप्शन, पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, पूरा अपना डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर लिख लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए। और आप यहाँ से अपनी वीडियो की लिंक भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं और सारे अपने सोशल मीडिया के अकाउंट भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और आप कभी अपनी वीडियो अपलोड करें तो आपको ये दोबारा करने ना पड़े। तो मेरे यहाँ पर सोशल मीडिया के सारे अकाउंट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, और यहाँ से आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं अपनी वीडियो का, और अपनी वीडियो भी यहाँ पर डाल सकते हैं, लिंक डाल सकते हैं। जैसे मैंने सारी वीडियो का लिंक डाला हुआ है, और जो आप लिखना चाहें यहाँ से लिख सकते हैं, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक बार वीडियो अपलोड करेंगे तो आपका ये सारा अपने आप ही आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब इसके बाद क्या करते हैं, टैग। आप टैग भी लिख सकते हैं, यहाँ पर टैग लगा सकते हैं। जैसा आप टैग लगा, जैसे अपने चैनल का नाम लिख दीजिए, हर बार अपने चैनल का नाम आएगा, तो यहाँ पर आप टैग भी लगा सकते हैं। जैसे टैग तो मैं लगाऊंगा नहीं, और आप बाकी सेटिंग आप ऐसे ही रहने देना। तो कोई भी इसमें आपको चेंजिंग नहीं करनी है, बाकी सारा ये वाले चार ऑप्शन है इन्हीं में आपको चेंजिंग करनी है और किसी में आपको नहीं करनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो लैंग्वेज। तो यहाँ पर आप वीडियो लैंग्वेज भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी वीडियो लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं, या इसको रहने दीजिए सिंपल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इससे। और यहाँ पर आपको यहाँ से सेव कर देना है, इसको यहाँ पर सेव कर देना है। सेव करने पर आपकी ये सेटिंग सेट हो जाएगी। आप कभी भी आप अपनी वीडियो अपलोड करेंगे तो यह सारी ऑटोमेटिक सेटिंग आपकी आ जाएगी, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको, क्योंकि लिखने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आप यहाँ से अपने सारे सोशल मीडिया के अकाउंट दे सकते हैं, अपनी वीडियो की लिंक भी दे सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल यहाँ पर आप कर सकते हैं।
तो दोस्तों देखा आपने कि मैंने किस तरीके से अपने अपलोड डिफॉल्ट फीचर का यूज किया है और सारे उसमें मैंने अपने डिटेल भर दी है सोशल मीडिया या सारे अकाउंट उसमें आप डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पहले लिख सकते हैं या आप टैग भी लगा सकते हैं, सारी चीजें इसमें आप कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो अगर आप अपनी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपका, और इससे आपका काफी सारा टाइम बच जाएगा। और तो दोस्तों शायद आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को भी कर देना सब्सक्राइब और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाए। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम लग रही है या आपको कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा। या अगर आपको यूट्यूब पे किसी भी फ्यूचर के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपके फोन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो आपको बना के दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।